हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 30th of April और मैं हूँ अभी वडोदरा में। अभी सुबह के 7 बजे है और हम निकल रहे हैं डाकोर के लिए। ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर की ड्राइव है। हम वहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा और न्यू कंटेंट शूट करने के लिए जा रहे हैं। अभी समर्स चल रहे हैं और 11-12 बजे के बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमने सोचा सुबह 6-7 बजे निकलते हैं। कोल्ड वेदर में सुबह सुबह रास्ता कवर करके वहां पर पहुंच जाएंगे और सुबह वीडियो भी बहुत अच्छे आते हैं, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अभी हमने वासर टोल नाका क्रॉस किया है और अभी ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर बाकी है डाकोर को। अब एक अच्छा सा फूड स्टॉल देखकर रुकते हैं या कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर सके, क्योंकि सुबह बगैर ब्रेकफास्ट से सुबह सुबह निकले थे तो थोड़ी सी भूख लगी है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि हम डाकोर जा रहे हैं, हमारे वडोदरा के जितने भी व्यूवर्स हैं ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, पर हमारे जो बाहर के व्यूवर्स हैं उनको बता दूँ, प्रभु श्री कृष्ण को रणछोड़ जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है और डाकोर रणछोड़ जी महाराज की नगरी है। यहाँ डाकोर में रणछोड़ जी महाराज का बहुत ही पौराणिक मंदिर है। A few moments later. तो फ्रेंड्स, फाइनली ओड़ के पास एक फूड स्टॉल, अच्छा सा फूड स्टॉल मिला है, वहाँ पर रुक कर अब ब्रेकफास्ट करते हैं। बाय द वे फ्रेंड्स, ओड़ एक गांव का नाम है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से डाकोर सिर्फ 17 किलोमीटर बाकी है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब सीधा हम मिलते हैं डाकोर में। फ्रेंड्स, हमने अभी डाकोर एंटर कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं मेन टेंपल की ओर। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और आसपास की जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये डाकोर की लोकल मार्केट है, डाकोर की स्ट्रीट है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो अभी सब ओपन हो रहा है धीरे धीरे और हम अभी जा रहे हैं मेन टेंपल की ओर। यह है रणछोड़ जी महाराज का टेंपल, ये उनका कंपाउंड वॉल है। इसके अंदर फोटोग्राफ या फ़ोन को अलाउ नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ से ही आपको पहले दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टाइप का प्रसाद मिलता है जिसको मगज कहा जाता है। इट्स वन टाइप ऑफ स्वीट जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सो हम प्रसाद लेते हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए चलते हैं।
तरह की फूल और तुलसी की माला मिलती है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, इसलिए उनको ये चढ़ाया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमने दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हम हमारा एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कितना मज़ा आया दर्शन करके, क्या लगा, क्या हमने फील करा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं गोमती तालाब की ओर। अभी हम आ चुके हैं गोमती घाट, ये बिल्कुल मेन टेंपल के सामने ही है। जितना महत्व मेन टेंपल का है इतिहास में, उतना ही महत्व ये गोमती घाट का है इतिहास में। फ्रेंड्स, यहाँ हम आज आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट का वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। आजकल हमारी जनरेशन को हमारे इतिहास के बारे में, हमारे धर्म के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, तो हम द स्टोरी ऑफ डाकोर और उसके महत्व के बारे में एक वीडियो बनाने आए हैं, जिससे हमारी जनरेशन के लोगों को नॉलेज मिले हमारे इतिहास के बारे में। हमने यहाँ के लोकल लोगों से भी बात की और हमारा भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज डाकोर के रिलेटेड आपसे शेयर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टाइप के गोटा, जिसको डाकोर ना गोटा कहा जाता है, इस टाइप के पकौड़े मिलते हैं, जिसको दही के साथ सर्व करते हैं। इसको दूधना गोटा भी कहा जाता है। इसका जो डो होता है उसको दूध में प्रिपेयर किया जाता है, और यहाँ का ये बहुत ही फेमस फूड है, जैसे कि यहाँ पर सभी शॉप्स में ये अवेलेबल होता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा शूट हो गया है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी बजे है 10:40, हमको घर पहुँचते ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगेगा, मीन्स मैक्सिमम 12 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमने वडोदरा में एंटर कर लिया है, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। रास्ते में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि वही हाईवे था, तो आप लोग बोर हो जाते इसलिए। तो अब मैं आपको घर पे जाके मिलता हूँ। हम घर पहुंच चुके हैं और फ्रेश हो चुके हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सजेशन कमेंट में बताइए, और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सो मिलते अगले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।